सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एप्पल ने रिसेंटली अभी अपने आईपैड लाइनअप को थोड़ा सा अपग्रेड किया, जहां पर दोस्तों ये है मेरे पास में ब्रांड न्यू एप्पल आईपैड मिनी 2019 एडिशन। तो यहां पर दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करता हूं इसी नए आईपैड के बारे में, करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, क्या है बॉक्स कंटेंट, तो देखते हैं कि आखिर कितना पावरफुल है ये छोटा सा आईपैड मिनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में ब्रांड न्यू आईपैड मिनी का बॉक्स, जो कि है दोस्तों बेसिकली फिफ्थ जनरेशन का आईपैड मिनी, जिसको दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये है इसका लेटेस्ट 2019 वेरिएंट। और यहाँ पे दोस्तों ये है मेरे पास में टॉप ऑफ द लाइन एडिशन, जहां पे है 256 GB की स्टोरेज, और ये है दोस्तों वाईफाई प्लस सेलुलर वाला वेरियंट। कलर है इसका स्पेस ग्रे, और यहाँ पे दोस्तों जो कीमत है वो है 59,900 रुपीज। हालांकि दोस्तों अगर आप बात करते हैं इसके बेस वेरियंट की, जो कि है 64 GB का वाईफाई ओनली ऑप्शन के साथ में, तो उसको आप ले पाएंगे 34,900 रुपीज में। यहां पर दोस्तों जल्दी से करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कैसा मिलता है एक्सपीरियंस। हटाते हैं लिड को, साइड में तो रखा है सबसे पहले ये स्पेस ग्रे कलर में आने वाला बहुत ही छोटा सा लेकिन काफी पावरफुल आईपैड मिनी। यहां पर दोस्तों रखते हैं साइड में, बात करते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट्स की। तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों ये है हमारे पास में USB 2 लाइटनिंग केबल, क्योंकि अभी आईपैड मिनी में आपको USB-C देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों यहां पर नीचे है ये सेक्शन जहां पर लिखा है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और यहां पर दोस्तों हमारे पास में है एक क्विक स्टार्ट गाइड, एप्पल स्टिकर्स, कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल, बिकॉज़ यहां पे आप एक 4G सिम लगा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे ये है हमारे पास में इस टू पीस डिजाइन के साथ में आने वाली ये पावर ब्रेक, जहां पे जो आउटपुट है वो है 10 वॉट्स का, और आप इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में यूज कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों अभी हम जल्दी से बात करते हैं आईपैड मिनी की, और इसको एक बार मैं निकालता हूं इस प्लास्टिक प्रोटेक्शन से बाहर। तो यार ये तो ना मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, बिकॉज मैं छोटा वाला आईपैड यूज किया करता था, बिकॉज काफी इजी था एक हाथ से यूज करने में और कैरी करने में। और यहां पर दोस्तों अगर आप बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो एक बार पहले इसको ऑन करता हूं, बाद में दोस्तों देखेंगे कैसा है इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो यहां पे अभी एप्पल का लोगो तो खैर आ गया है, तो यहां पे आपको कुछ चेंजेस दोस्तों देखने को नहीं मिलते हैं। बाहर से अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल सेम ही दिखता है अगर आप करते हैं कंपेयर पुराने आईपैड मिनी से, लेकिन दोस्तों इंटरनली बहुत ज्यादा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। जहां पर अगर आपको फ्री वर्ड में बताऊं फिजिकल रिव्यू के बारे में, तो यहां पे आपको मिलता है राइट साइड में ऊपर की तरफ बटन वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, और यहां पे है दोस्तों ये सिम ट्रे, जिसको एक बार अगर हम देखते हैं ओपन करके, तो आप देख पाएंगे कि यहां पे आप एक सिम लगा पाएंगे, जिसके चलते आप कॉल्स तो नहीं लेकिन ऑफ कोर्स डेटा को दोस्तों यूज कर पाएंगे, और ये एक 4G सिम कार्ड है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो यहां पे दोस्तों ऊपर की तरफ आपको मिलता है बटन पावर स्लीप या वेक के लिए, यहां पे है एक माइक्रोफोन और एक इसके ठीक पीछे है, तो यहां पे दोस्तों ड्यूल माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। और मजे की बात कि हमको मिलता है हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक, यहां पर दोस्तों लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है, और नीचे की तरफ आपको मिलता है ये लाइटनिंग पोर्ट, यहां पर दोस्तों साइड में है स्टीरियो स्पीकर्स, मतलब ये भी स्पीकर है और ये भी स्पीकर है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों पीछे की तरफ है यहां पर एप्पल का लोगो, लिखा है आईपैड, और यहां पर है 8 MP का रियर फेसिंग कैमरा। और यहां पर दोस्तों ये जो आपको बैंड देखने को मिल रहा है ये आपको मिलेगा सिर्फ सेलुलर एडिशन में, बिकॉज यहां पर दोस्तों ये एज एन एंटीना के लिए आपको कटआउट मिलता है। वाईफाई वाले वेरिएंट में आपको यहां पे बिल्कुल प्लेन डिजाइन मिलेगा, लगातार एल्युमिनियम से बना हुआ। और यहां पर दोस्तों बात अगर करें हम सामने की, तो ये आता है 7.9 इंचेस के इस डिस्प्ले के साथ में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो को लेते हुए, जहां पे दोस्तों रेजोल्यूशन है 1536x2048 पिक्सेल्स का। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है यहां पे टच आईडी, और यहां पे दोस्तों ऊपर की तरफ है 7 MP का कैमरा। और यहां पे एक बार इसको जल्दी से सेट करता हूं, उसके बाद में बात करते हैं कि कैसा है एक्सपीरियंस इसी छोटे से आईपैड मिनी का। अब यहां पर दोस्तों एक और जो अपग्रेड हुआ है डिस्प्ले में वो है ट्रू टोन डिस्प्ले का। तो यहां पे आप जो है दोस्तों इसते हैं कि ये जो ट्रू टोन डिस्प्ले है बेसिकली ये एंबिएंट लाइटिंग के हिसाब से कलर टेंपरेचर जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से चेंज करता है। तो फिलहाल अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये आपको देगा बेस्ट पॉसिबल लुक। यहां पर दोस्तों ये कंप्लीटली सेट हो गया है आईपैड मिनी। और यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको साइज तो खैर काफी कॉम्पैक्ट मिलेगा ही, जहां पर आप इसको एक हाथ से भी आराम से दोस्तों यूज कर पाएंगे अगर आप बात करते हैं मूवीज देखने की या फिर कुछ और काम करने की। इनफैक्ट अगर आप
ईबुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो काम दोस्तों आप बड़े आराम से एक हाथ से कर पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो वो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों है लेटेस्ट एप्पल A12 बायोनिक चिप, जो कि बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जो आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे आईफोन XS, XS मैक्स और XR में। तो परफॉर्मेंस के नाम पर दोस्तों कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं गेमिंग की, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस दोस्तों काफी बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे इसी आईपैड मिनी में, जहां पे मतलब परफॉर्मेंस तो यार खैर मैं क्या कहूं। अगर आप दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट आईफोन्स की या फिर लेटेस्ट आईपैड की, तो ये एक काफी कंपेनियन रहेगा। अच्छा, अगर आप बात करते हैं गेमिंग की, तो आप बिना किसी इशू के बड़े आराम से दोस्तों गेम से उनको आप एंजॉय कर पाएंगे। और यहां पे इनफैक्ट दोस्तों एक और जो मेजर चेंज हुआ है वो ये कि अभी दोस्तों यहां पे सपोर्ट आ गया है एप्पल पेंसिल का। हालांकि दोस्तों यहां पे बात हो रही है एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 की, लेकिन आप दोस्तों इसकी मदद से बड़े आराम से अगर आपसे बात करता हूं नोट्स की, तो वो ले पाएंगे। और यहां पे अगर मैं कुछ लिखता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये दोस्तों आप बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे पेंसिल। और यहाँ पे ये दोस्तों आप जो है वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको दोस्तों वही फंक्शनैलिटी मिलती है प्रेशर सेंसिटिव इसी एप्पल पेंसिल की, तो ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ टच आईडी की, तो मेरे ख्याल से यार ये भी ना मतलब काफ़ी दोस्तों तेज़ी से काम कर रहा है। जहाँ पे मेरे पास जो पुराना आईपैड था उसके कंपैरिजन में मेरे को इसकी स्पीड डेफिनेटली काफ़ी फास्ट लग रही है अनलॉक होने की, तो यार ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो मतलब iPad से अगर फोटोज कौन ही लेता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग लेते भी हैं, तो ये है कुछ क्वालिटी। और बेसिकली मैं स्क्रीन पे आपसे कुछ और कैमरा सैंपल्स भी शेयर कर रहा हूं, ऑल्दो आप इसको खैर एज अ कैमरा तो यूज करेंगे नहीं। तो ये है दोस्तों यहां पे इसी iPad मिनी के बारे में कुछ डिटेल्स। अब दोस्तों यहां पे अगर आपको बताऊं, तो मेरे पास में ये iPad Pro है 11 इंचेस का, और मैं अभी कुछ दिनों के लिए इसको चेंज करने वाला हूं। वो इसलिए बिकॉज यार ये ना मतलब अपने आप में दोस्तों खैर काफी बड़ा बन जाता है कई बार कैरी करने में। ऑल्दो दोस्तों यहां पे ये आपको अलग टाइप की फंक्शनैलिटी देगा, यहां पे आपको नई वाली एप्पल पेंसिल मिलती है। लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं इस आईपैड की, तो मतलब 7.9 इंचेस का डिस्प्ले है, अपने आप में काफी एडिक्वेट भी है। और यहां पे दोस्तों ऑलमोस्ट इसके आधे साइज में ये आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे जो है वो दो आप रख सकते हैं बगल बगल में, और एक हाथ से इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों खैर अपने आप में एक अलग ही चार्म है। ऑल्दो यहां पे ये जो आईपैड प्रो है, मैं इससे भी काफी सेटिस्फाइड हूं, जहां पे मैं इसको ऐसे डॉक करने के बाद में बड़े आराम दोस्तों टाइप करते हुए अपने काफी काम कंप्लीट करता हूं। लेकिन ऐसे में फिलहाल के लिए अगर बात करता हूं ट्रैवलिंग वगैरह की, तो मेरे लिए ये शायद काफी बेहतर रहेगा। जहां पे हम जो है वो बात दोस्तों करते हैं अगर नोट्स की, तो बड़े आराम से आप कुछ ऐसे ड्राइंग भी बना पाएंगे। तो ये था दोस्तों वीडियो आईपैड मिनी 5th जनरेशन 2019 एडिशन का। बाकी खैर आप दोस्तों मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और क्योंकि मेरे पास में दो आईपैड्स अभी हो गए हैं, और खैर बाकी भी पुराने कुछ पड़े हैं घर में, तो क्या किया जाए, इसका या इसका मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, आप शायद गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बस अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये आईपैड मिनी कैसा लगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।